हे सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, एक न्यू अपडेट आया है, गुड न्यूज़ आई है HSC 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ओके सो गाइस, सुप्रिया मैम ने एक ट्वीट किया है, एज यू कैन सी हियर शी इज़ दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके सो मैम ने एक ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट्स दिखाने वाला हूँ, दो ट्वीट्स किए हैं तो मैं ट्वीट्स दिखाने वाला हूँ उनके। सिंपली इन्होंने क्या ट्वीट किया है मैं बताने वाला हूँ। ओके तो गाइस, जैसे कि SSC स्टूडेंट्स 10th बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, उसी प्रकार से HSC स्टूडेंट्स को भी राहत मिलनी चाहिए, उनके भी कुछ इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, उनको भी डायरेक्टली प्रमोट करना चाहिए, ऐसे मैम ने कुछ बताया, तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ओके तो देखिए, ये हमारी सुप्रिया सुले मैम है। ओके तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021 प्रमोट HSC स्टूडेंट्स एज पर SSC स्टूडेंट्स। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि SSC स्टूडेंट्स को आपने प्रमोट किया है, ओके उनको पास कर दिया है, वैसे ही HSC स्टूडेंट्स को भी पास करना चाहिए। ये जो सर है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये प्रवीण दरेकर सर है, तो इन्होंने ऐसा बोला है कि 12वीं के बच्चे भी बच्चे हैं, उनको भी कोरोना हो सकता है, सिंपली उनको भी जैसे 10वीं को आपको आपने पास किया है, वैसे 12वीं को भी आपको पास करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके तो मैं अभी ट्वीट्स दिखाऊंगा। ओके तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे इत्या 10वीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असल्या तरी 12वीच्या परीक्षाबाबत मुले पालक व शिक्षकांमध्ये अद्यापही संभ्रम अवस्था आहे। मुलांना वर्षभर शाळेत जाता आले नाही, याशिवाय सर्वच मुलांना ऑनलाइन शिक्षण घेता आले, याबाबतही काही ठोस सांगता येत नाही। सो गाइज, मैं अभी आपको हिंदी में बताऊंगा। इन्होंने बोला है जैसे कि कोरोना पैंडेमिक अभी तक चल रहा था और ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे थे, ऐसा भी कंफर्म नहीं है कि किसी ने ऑनलाइन क्लासेस किए हैं कि नहीं है, इसका प्रूफ भी नहीं है हमारे पास, और किसकी स्टडी हुई है नहीं हुई है इसका भी प्रूफ नहीं है। तो सिंपली जैसे कि आपने SSC स्टूडेंट्स को पास किया है, वैसे ही HSC स्टूडेंट्स को भी आप कुछ राहत दे दीजिए, जिसकी वजह से अभी आपने जो पोस्टपोन किए हैं एग्ज़ाम, उसकी वजह से स्ट्रेस आया है, मेंटल स्ट्रेस आया स्टूडेंट्स में, तो सिंपली ऐसे ही बताया है। ओके तो सिंपली नेक्स्ट ट्वीट देखते हैं हम क्या बोला है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नेक्स्ट ट्वीट, त्यामुळे या वर्षी 12वीचे मुले गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे, ही सर्व परिस्थितीत लक्षात घेता राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा ई गायकवाड जी आपणास विनंती आहे की कृपया संबंधित घटकांशी चर्चा करून याबाबत तातडीने योग्य तो निर्णय घ्यावा, CM महाराष्ट्र। ओके तो सिंपली यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि आपने 12वीं की जो एग्ज़ाम है 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी गई है, और इसके वजह से मतलब बहुत ही मतलब स्ट्रेस तो आया है, मतलब हलचल मच गई है स्टूडेंट्स में 12th स्टैंडर्ड के, तो सिंपली आप जल्दी से जल्दी, वर्षा गायकवाड़ मैम जल्दी से जल्दी आप प्लीज़ जो हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव सर, ओके तो उनके साथ आप जल्दी से जल्दी मीटिंग कीजिए और उनके लिए भी कुछ राहत दे दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, सिंपली इस ट्वीट से यही बताया गया है। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके न्यू अपडेट्स आने वाले हैं HSC स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड गुड न्यूज़ ही आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो ही नहीं सकती है। ओके गाइज, कोरोना बहुत बढ़ रहा है और ये लोग कैसे लेंगे हमारी ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो सिंपली आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, न्यू अपडेट आते रहेंगे गाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड टिल देन गुड बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।